चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे बढ़िए, ये ब्लॉग को देखिए, एंजॉय कीजिए। इसको एक प्योरली बोटिंग जगह बोल सकते हैं और इसके साथ भी इसको जैसे कि तालाब का ऊपर भाग में आप देखेंगे तो अच्छा सा भी पार्क भी है, चिल्ड्रन पार्क। और आपके इधर आप कुछ इस क्षण शांति सा वातावरण को महसूस भी कर पाएंगे। जैसे ये बोटिंग का जगह का नाम है रामसागर नौका विहार, जो कि संबलपुर में है। और इधर तक आने के लिए आप संबलपुर पूरा डायरेक्ट आ जाइए संबलपुर, और उधर से पूछने से किसी को भी पता है ये जगह। ये एक्चुअली संबलपुर म्यूनसिपालिटी द्वारा परिचालित है और इसका पावर है टिकट कॉस्ट लेता है 55 to 60 rupees, जो कि वेरी रिजनेबल प्राइस है। और आपको चलाने 2 to 3 hours के लिए देते हैं। एक बोट में 4 members भी बैठ सकते हैं और 2 members भी बैठ सकते हैं। तो चलिए, बहुत क्षण इंतज़ार करने के बाद हमको बोट एलोकेट हो गया, बोट मिल गया। हम अभी शुरू करते हैं हमारा सफ़र, तो चलिए एंजॉय करते हैं। करीबन 1.5 to 2 hours हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय किए। एंजॉय करने के बाद हम अभी किनारे पकड़ रहे हैं, और किनारे पकड़ने के बाद हम अभी ऊपर हिस्सा का जो पार्क है उसको हम एंजॉय करेंगे बढ़िया से, आप लोग को भी दिखाएंगे। तो हम लोग ये दिख रहे हैं जो किनारा, हम लोग किनारे पे आके पहुँच गए। तो चलिए बोट से हम लोग उतरते हैं। आप लोगों को तो बढ़िया अच्छे से भी दिखाया हम लोग का ब्लॉग, जैसे कि हम लोग बोटिंग कितना एंजॉय किए और कितना अच्छा लग रहा था। अभी हमारा बोटिंग ख़त्म हुआ, हम ऊपर हिस्सा जो कि जो तालाब का ऊपर हिस्सा है, एक किड्स पार्क भी है, अच्छा सा पार्क है। तो चलिए बच्चे लोग को हम वो किड्स पार्क में घुमाते हैं। हम उन लोग के साथ
कुछ टाइम्स भी स्पेंड करते हैं और कुछ क्षण हम भी बच्चे बन जाते हैं। चलिए इस पार्क को एंजॉय करते हैं, उसके साथ ये जो सीनरियो और ये ग्रीनरी एरिया का थोड़ा शांति सा वातावरण को एंजॉय करके कुछ टाइम अच्छा स्पेंड करते हैं। चलिए फिर।